हाय एवरीवन, मैं दीपक। स्वागत है आप सभी का जो आज हमारे इस जूम सेशन में लाइव जुड़े हुए उनका, और स्वागत है उन लोगों का भी जो कि इस वीडियो को हमारे टेक्नो वर्ल्ड फॉर वीआई चैनल पर यूट्यूब पे बाद में देखेंगे। ओके, सो आज हम डिस्कशन करेंगे गूगल फॉर्म के बारे में। बेसिकली गूगल फॉर्म का नाम आते ही हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला सवाल कि गूगल फॉर्म आखिर है क्या, और दूसरा सवाल कि गूगल फॉर्म को हम कैसे यूज करेंगे। तो आज हम हमारे इस सेशन के जरिए बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम गूगल फॉर्म को यूज करेंगे और गूगल फॉर्म है क्या। ठीक है, सो गूगल फॉर्म एक्चुअली एक टाइप का फॉर्म है जो आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी वेबिनार हुआ, सेमिनार वगैरह होते हैं, या फिर कोई किसी भी चीज के लिए हम जब अपना डाटा कलेक्शन करते हैं उसके लिए हमें गूगल फॉर्म की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेशन हम कर रहे हैं, इस सेशन के बाद हम आप लोगों को एक फॉर्म देंगे। ठीक है, तो आप लोग उसमें अपना डाटा भरेंगे कि अपना नाम, अपना एड्रेस, या फिर अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, और फिर अपना व्यू भी देंगे। तो ये सब चीज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक फॉर्म की, ऑनलाइन फॉर्म की। और इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट भी हमें ये ऑप्शन देता है। बट आज हम डिस्कशन करेंगे गूगल फॉर्म के बारे में, यानी कि गूगल जो हमें फॉर्म बनाने की फैसिलिटीज देती है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और हम अभी देखेंगे कि गूगल फॉर्म को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सेशन है ये दो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा कि गूगल फॉर्म को हम कैसे बनाएंगे। सेकेंड पार्ट हमारा ये होगा कि गूगल फॉर्म शेयरिंग कैसे करेंगे। और तीसरा पार्ट ये होगा कि गूगल फॉर्म के जरिए जो पब्लिक ने हमें डाटा दिया है, उस डाटा को हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए आज हम पहले सीखेंगे कि गूगल फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं। Google Chrome 8 of 19. Enter. New tab dash Google Chrome toolbar address and search bar edit type and customize Chrome button new tab visited link Gmail Kunal link images Google apps button Google account search Google or type a UR Google apps button हम इसमें जाएंगे Google Apps button collapse इसमें हम जाएंगे Enter new tab list of 16 items link search link map blank link youth link play link new blank link gmail link meet link chat blank link cont visited link drive देखिए यहाँ पर गूगल एप्स में हम गए, गूगल क्रोम खोलने के बाद कोलैप्स बटन था, उस पर एंटर करते हुए कुछ लिस्ट आया हमारे पास। तो उसके बाद डाउन एरो करते करते हम आए गूगल ड्राइव के अंदर। ड्राइव के ऊपर हम एंटर करेंगे Enter. Google Drive dash Google Chrome. गूगल ड्राइव हम खोलेंगे Blank. Use virtual PC. क्योंकि यहाँ पर गूगल एप्स जो है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट गूगल फॉर्म का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, गूगल ड्राइव के जरिए हम गूगल फॉर्म तक पहुंचेंगे। कंट्रोल होम से हम आएंगे ऊपर, माय ड्राइव डैश गूगल ड्राइव ऊपर आ गए, फिर डाउन एरो करेंगे लिंक ड्राइव ड्राइव डाउन एरो सर्च एंड ड्राइव एडिट कॉम सर्च अप सपोर्ट बटन सेटिंग्स बट गूगल एप्स गूगल अक ब्लैंक न्यू बटन मेन्यू कोलैप्स मेन्यू न्यू बटन मेन्यू में हम जाएंगे। ठीक है, एंटर न्यू बटन मेन्यू प्रेस स्पेस टू एक्टिवेट द मेन्यू देन नेविगेट File upload. Down arrow. Folder upload. Sumunaya. Google Docs submenu. Sumunaya. Google Sheets submenu. Google down arrow. Google Slides submenu. Google Forms submenu. Yes. Google Forms submenu. Right arrow. Blank form. Blank form. Blank quiz. From a template. Blank form. देखिए हम blank form में अभी जाएंगे, ठीक है? Enter. Enter. Leaving menus blank. Untitled form dash Google Forms. Untitled form dash Google Forms home button. Untitled form. Untitled forms home button. ये हमारा form खुल चुका है। हम untitled form है ऊपर देखेंगे, फिर नीचे down arrow. Document title. Edit untitled form. देखिए documents का title अभी है untitled form. यानी कि हम अगर कुछ भी form बनाते हैं, मान लीजिए admission form हुआ, कि webinar फीडबैक फॉर्म हुआ, तो कुछ भी हम जब फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म का सबसे पहले एक टाइटल होता है। कोई भी हम कोई भी टाइप के अगर कोई भी फाइल हो, तो उस फाइल का भी हम नाम
देते हैं पहले। तो यहाँ पर टाइटल ऑफ द फॉर्म हमें देना है, एंटर करेंगे। एंटर डॉक्यूमेंट ब्लैंक अनटाइटल फॉर्म है इसीलिए बैकस्पेस से इसको मिटाएंगे। ब्लैंक ठीक है, हम इस पर लिखेंगे सर्वे फॉर्म, एस यू आर वी वाई सर्वे एफ ओ आर एम, एस्केप करके बाहर आएंगे। Escape, virtual PC cursor, down arrow, add dash ons button menu, collapse menu. इसे add-on से यहाँ पर कुछ इस मेनू के अंदर, लेकिन हम अभी इसको नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखेंगे, क्योंकि अभी हमें add-ons की खास जरूरत नहीं है। down arrow, customize theme but more button menu, collapse menu, Google account colon dpac job blank, questions tab selected, responses tab. देखिए questions tab selected है already. तो हमें अभी फॉर्म बनाना है इसलिए इस यही टैब को सिलेक्ट रहने देंगे, और रेस्पॉन्स टैब भी है इसमें, बट इसका हमें अभी जरूरत नहीं है। ये रेस्पॉन्स टैब की हमें जरूरत पड़ेगी कब, जब हम आप जब हमें फॉर्म भर के देंगे, उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी कि किसने क्या फॉर्म, इसमें किसने क्या डाटा एंट्री किया है, उसको देखने के लिए हमें रेस्पॉन्स टैब की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम क्वेश्चन टैब पे रहेंगे। डाउन एरो ब्लैंक ऐड क्वेश्चन बटन, ऐड क्वेश्चन Import questions button. ये डाउन एरो इम्पोर्ट क्वेश्चन, देखिए कहीं भी अगर क्वेश्चन है तो हम वहां से इसे इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। फिर डाउन एरो Add title and description button. Title and description. Add image button. इमेज भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई लोगो वगैरह हुआ। Add video button. वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये सब ऐड कर सकते हैं। Add section button. सेक्शन भी, सेक्शन बहुत, देखिए कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन अपना जो हुआ, पर्सनल सेक्शन हुआ, उसके बाद एकेडमिक सेक्शन हुआ। पर्सनल सेक्शन में हम अपना डाटा डालेंगे, जैसे नेम एड्रेस फोन नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल्स उसमें डालते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन हुआ एकेडमिक सेक्शन, जहाँ पे हम अपना एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हैं। फिर फैमिली रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुआ, मतलब जितने सेक्शन होते हैं यहाँ पर हम सेक्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है, डाउन एरो फॉर्म टाइटल, फॉर्म टाइटल अनटाइटल्ड फॉर्म एडिट, फॉर्म डिस्क्रिप्शन एडिट, फॉर्म डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम फॉर्म जो जो भी फॉर्म भरेंगे उनके लिए हम यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। एंटर फॉर्म डिस्क्रिप्शन एडिट, प्लीज फिल, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज फिल द फॉर्म केयरफुली, PLEASE E please I L fill T A E E H T space space T A E the O R M form A R E F U L L Y escape virtual PC cursor down arrow question title untitled question edit. देखिए यहाँ से शुरू होता है questions, किस type के हम questions देना चाहते हैं पहले देखें। question title enter question title N-T-R-T-L-E-D-S-P-Q-E-E-S-T-I-O-N blank untitled question है, backspace से मिटाएंगे। N-O-R-T-L-E-U-K-I-D-E-S-T-I-T-N-U blank okay, backspace से मिटाने के बाद question लिखेंगे। first question होगा your name, या फिर सिर्फ name ही लिखेंगे बस। A-L-L-M-E name colon escape Escape virtual add inline image name colon edit name हो गया question add inline image button image भी दे सकते हैं इस question को describe करने के लिए। Blank question type question types short answer list box item selected 1 of 11 देखिए यहाँ पे short answer type लिखा हुआ है और इसके बाद 1 of 11 यानी कि 11 type के हम दे सकते हैं, यानी कि जैसे देखिए question हमारा है your name, तो नेम जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है। देखिए और क्या क्या है इसमें। Enter question types list with a paragraph, multiple choice, checkboxes, drop down, file upload, 6 of 11 question type to move to another. 11 टाइप के ऑप्शन हमारे पास हैं। Drop, check, multi, paragraph, short answer. Short answer, escape. Escape. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप क्वेश्चन Apollo 31 has joined. जैसे ही आप क्वेश्चन टाइप करेंगे उसके नीचे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन शॉर्ट टाइप है या फिर मल्टीपल चॉइस है या फिर कुछ और है, ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ
तो हमें खुद से करना पड़ेगा, लेकिन लगभग मैक्सिमम टाइम ही अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, डाउन लो, Short answer text edit unavailable. एडिट अनअवेलेबल, यहाँ पर अनअवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन जो इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए एडिट फॉर्म दिखाएगा और उन्हें यहीं पे लिखना है। ठीक है, डाउन एरो, Duplicate item button. डुप्लीकेट आइटम बटन। देखिए, हमें अब यहाँ पे क्विक क्लिक करना है, Delete item button. डिलीट आइटम है, यानी कि क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकते हैं अगर गलती से हो गया है तो, बट हमारा गलती नहीं है। Required checkbox check required. देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर चेकबॉक्स, यानी कि अगर हम इसको चेक है, अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि ये क्वेश्चन कंपलसरी नहीं रहेगा, कोई भी अगर चाहे तो वो फॉर्म भरते समय इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। ठीक है, और क्योंकि हमें नेम है और नाम हमें चाहिए ही, रिक्वायर है, कंपलसरी क्वेश्चन है, इसलिए हम रिक्वायर को चेकबॉक्स जो है चेक ही रहने देते हैं। ठीक है, डाउन एरो, More options button menu collapse menu. Blank help and feedback button menu collapse menu. ये सबसे नीचे आ गए, इसके पहले मोर ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। Blank more options button menu collapse menu. Enter more options. Response validation not checked. 2 of 2. Show description not checked. 1 of 2. रिस्पॉन्स वैलिडेशन वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, अनचेक। Response validation not checked. 2 space. Leaving menus more options button. Menu show description not checked. Response validation escape leaving me. Escape vert help and feed more opt required checkbox check. देखिए, रिस्पॉन्स वैलिडेशन को अगर हम चेक कर देते हैं तो इसमें होगा क्या कि सपोज ऊपर हमने दिया है नेम, हमें नाम चाहिए, बट यहाँ पर अगर कोई कोई नंबर लिख के पार हो जाता है, जैसे कि नाम में तो लेटर ही आएगा, बट अगर कोई कुछ भी लिख के पार हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, तो ये उसे रोकेगा। ठीक है, वो आगे नहीं जाएगा, इसलिए हमें ये ऑप्शन चाहिए। फिर ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हमें दूसरा क्वेश्चन भी एक्सक्यूज लिखना। मी, यस ऑफ कोर्स, टेल मी। मैं कुछ ऐड कर सकता हूं यहाँ पे? इसमें जो चेक बॉक्स और बॉटम है, आप एक्स या बी प्रेस करके भी जा सकते हो. एक्स जैसे कि एक्स ये चेक बॉक्स है और बॉटम के लिए बी हम प्रेस करना है, जैसे कि मोर ऑप्शन हाँ और हाँ रिक्वायर था चेक ऑप्शन. नहीं, हम थैंक यू. जा तो सकते हैं, बट यहाँ पे हम प्रीव्यू दे रहे हैं क्या क्या है, डाउन एरो से। खुद से अगर करना होता तो जा सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बता दिया। ऊपर देखते हैं, Delete item button. Duplicate item button. देखिए, डुप्लीकेट आइटम, यानी कि अगर हम यहाँ पर डुप्लीकेट आइटम पर क्लिक करते हैं तो क्या है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए ऑप्शन भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप पूछेंगे कि ऊपर तो एक ऑप्शन था ऐड क्वेश्चन का, लेकिन अगर हम ऐड क्वेश्चन पे जाते हैं तो क्या होता है कि नेम जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा और ऊपर एक स्पेस हमें मिल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नेम जो है हमारा ऊपर ही रहे, इसलिए हम नेम के नीचे हमें स्पेस चाहिए, तो नेम के नीचे चूंकि हमें स्पेस चाहिए इसलिए हम डुप्लीकेट ऑप्शन लेंगे। ठीक है, Blank duplicate item button. Enter. Question title edit contains text. Question title name colon edit. देखिए, ये जो नेम वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे रिपीट हो गया, बट हमें रिपीट नहीं रखना है, इसको मिटाना है और फिर दूसरा क्वेश्चन हमें लेना है। ठीक है, Add in name colon edit. Question edit on of short answer text. Edit on of questions name colon edit. Enter. Blank. Colon E A A N blank. हम यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, क्या डालेंगे, हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, डी ए टी ई डेट ओ एफ ऑफ बी आई आर टी एच बर्थ कोलन एस्केप वर्चुअल ब्लैंक क्वेश्चन टाइप्स ब्लैंक क्वेश्चन टाइप्स डेट लिस्ट बॉक्स आइटम सिलेक्टेड 10. देखिए, वहां पर हमने नेम मांगा था तो नेम के लिए ऑटोमेटिकली शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया था आंसर टाइप, और यहाँ पर देखिए क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ मांगा है तो इसलिए यहाँ पर डेट क्वेश्चन टाइप डेट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि कोई भी डेट ही देगा और दूसरा कुछ देगा तो ये लेगा ही नहीं। ठीक है, नीचे देखेंगे, Blank edit unavailable month blank. एडिट अनअवेलेबल मंथ पहले रहेगा, फिर Duplicate item button. Blank edit unavailable month day year. यानी कि इसका जो फॉर्मेट होगा लिखने का, डे पहले मंथ रहेगा, फिर डे रहेगा, फिर ईयर रहेगा। ये अनअवेलेबल है, जो इसको फिल करेंगे उनके लिए अवेलेबल रहेगा, वो एडिट कर सकते हैं। Blank
edit on the blank duplicate item button. फिर से duplicate item. Enter. Question title edit contain add inline image but date of birth colon edit questions edit unavailable month day year question title date of add inline image date of birth colon edit enter blank. फिर इसको मिटाएंगे. Colon a t r a b s f o s e t a d blank blank blank. अच्छा हम gender लेंगे. G e n d e r gender colon escape verse blank question types multiple choice list box. देखिए automatically इसने ले लिया multiple choice. Okay. Down arrow. Blank suggestions colon add all suggested options colon female male prefer not to say button. देखिए female male और prefer not to say ये suggestion उसने दे रहा है तो इसको हम add कभी कर सकते हैं फिर देखते हैं और क्या है. Suggested options list of four items add female button. Female को add करेंगे इसके लिए space. Space suggested options list with three. यानि कि ये सब ऑप्शन में आएगा. देखिए एक ऑप्शन चला गया फिर दूसरा ऑप्शन क्या है. Forms home button. Document I edit all add group blank blank add 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 false complete question title name edit on quest date blank edit on quest gender added blank question type multiple choice blank suggest suggested options list of three item add male button. Male को फिर add करेंगे. Space suggested options list with two I add other list end. Add other. Not to prefer ये वाला add हम नहीं करेंगे. Other वाला हम add. Add other button. Space remove other option button to active radio button not checked unavailable 2 of 2. Remove other option button radio button not checked unavailable 2 of 2. इसको radio button को check कर देते हैं इसलिए ये radio button वाला option आएगा. Space survey form that forms home but document edit survey move all add cut move blank quit blank add 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 form sir form the please question title name short edit quest date of blank edit on of quest gender add in blank questions question multiple blank suggestions suggest add per list end question options list of two item radio button not checked unavailable 1 of 2 option value. Option value. Edit female. Add image to remove up radio but option value radio button not checked unavailable. Option value. Edit male. Add image remove up list and other radio button other remove other radio add op edit duplicate item button. यहाँ पर हम duplicate item लेकर भी जा सकते हैं तो duplicate item फिर से ले लेंगे. Enter. Question title edit add inline image gender colon edit add inline image button gender colon edit enter. Blank. Col R E D A E G blank. Y O U R your F U L L full A D D R E S S. Address colon escape verse blank question type question types multiple choice list box item selected 3 of 11. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया. Question type blank add inline image your full address colon edit your full address क्योंकि हमने मांगा है तो ये multiple choice में नहीं आएगा इसलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया. देखिए यहाँ पे हमको change करना पड़ेगा. Add inline blank question type question types multiple choice question options multiple choice list box enter questions question types list with 11 I drop down date check multi linears file up drop down 5 of 11 multiple paragraph 2 of 11 paragraph type ye rakh sakta hai short answer short answer to nahi hoga paragraph escape virtual question opt radio but option valid edit female add and remove up radio option edit add and remove list other other remove other radio add up edit duple delete I required checkbox check required more up blank help and feedback but blank more up required checkbox check required delete item button. ठीक है तो लगभग हमारा ये बन चुका है फॉर्म और अब अगर हम आगे भी क्वेश्चन ऐड करना चाहे तो इस पे डुप्लीकेट आइटम ले लेकर हम ऐड कर सकते हैं. पहले हम फिर से होम पे जाएंगे देखेंगे कि हमारा एक्सक्यूज मी हाँ जो ऊपर आपने जो दिया फुल एड्रेस फिर और एक बार एक्सप्लेन कीजिए. देखिए फुल एड्रेस लिखने के बाद हमें अपना जो मल्टीपल चॉइस या फिर क्वेश्चन टाइप क्या है उसको हमें फिर से देखना पड़ता है. तो वहां पर मल्टीपल चॉइस था हमने उसे बदल करके लॉन्ग टाइप कर दिया है यानी कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन कर दिया है और हम अब देखेंगे सिर्फ फॉर्म ही कैसे बना है वो हम देखेंगे. कंट्रोल होम सर्वे फॉर्म डैश गूगल फॉर्म सर्वे फॉर्म डैश फॉर्म्स होम बटन डॉक्यूमेंट टाइटल डाउन एडिट सर्वे मूव टू फोल्डर बटन चेक बॉक्स नॉट चेक स्टार ऑल चेंजेस सेव टू ड्राइव एड डैश ऑन बटन मेन्यू कोलैप्स मेन्यू कस्टमाइज थीम बटन कोलैप्स प्रीव्यू बटन सेट. यहां हम जाएंगे प्रीव्यू के अंदर जाएंगे
रिव्यू के अंदर जाने से देख सकते हैं हम कैसा फॉर्म बना है. प्रीव्यू बटन एंटर एंटर ब्लैंक सर्वे फॉर्म ब्लैंक यूज वर्चुअल पीसी कर्सर एडिट दिस फॉर्म बटन. एडिट दिस फॉर्म एडिट नहीं करना है, खुल गया हमारा. ब्लैंक हेडिंग लेवल 1 सर्वे फॉर्म प्लीज फिल द फॉर्म केयरफुली. देखिए लिस्ट ऑफ फोर आइटम हेडिंग लेवल 3 नेम कोलन स्टार. नेम स्टार लगा है यानी कि ये कंपलसरी है, भरना है. नेम कोलन रिक्वायर्ड क्वेश्चन रिक्वायर्ड इनवैलिड एंट्री एडिट. देखिए यहां पर हम नेम लिख सकते हैं. Heading level 3 date of birth colon star blank date date mm slash dd slash ai show date picker date time edit. Blank heading level 3 gender colon star group start gender colon required question female radio button not checked required what female campus at blank male radio button male blank other colon radio other other response required edit group end heading level 3 your full address colon star. Group start your full address colon required question female radio button not checked. यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो चुका है तो इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर पहले सब क्वेश्चन सही हैं पर जो एड्रेस वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा गलत हो चुका है क्योंकि डुप्लीकेट आइटम लेते लेते ये मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन थे उसे मिटाना था, रिमूव करना था डुप्लीकेट आइटम लेने के समय जो हमने रिमूव नहीं किया. अगर हम वहां पे रिमूव कर देते तो ये नहीं, ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती. ठीक है, चूंकि ये प्रीव्यू है तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम अभी फॉर्म किसी को दिए नहीं है, ये हम सिर्फ देख रहे हैं. अगर हम किसी को फॉर्म दे देंगे ये वाला, सपोज हम किसी को व्हाट्सएप पे देंगे या फिर ईमेल के जरिए हम किसी के साथ शेयर करते हैं ये फॉर्म, तब हमें प्रॉब्लम होगी. बट चूंकि ये पता चल चुका है कि ये फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है एड्रेस वाले सेक्शन में, तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं ऊपर जा करके. ठीक है, जैसे हमने बताया ये हम कर लेंगे बाद में, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे. तो ऑल्ट एफ4 से हम विंडो को क्लोज कर देते हैं. ऑल्ट एफ4 टास्क बार. तो आज आई थिंक एक्सप्लेनेशन या फिर हमारा जो गूगल फॉर्म के रिलेटेड जो भी डिस्कशन था अच्छे से किया. आप सबको थैंक यू ज्वाइन करने के लिए.